ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। गांधी युग नाम से एक ये हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसके अंदर कई सारे प्रश्न बनते हैं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम से, तो उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो गांधी जी के नाम पे सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, परंतु प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए, जो भी मैं बोलूँगा उसको यहाँ से देख के बोल रहा हूँ और इस तरफ डिस्प्ले में सारा कुछ लिख के आ रहा होगा, तो आप फोकस इधर की ओर रखिएगा और सारा मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा जिससे कि अपना टाइम बच सकेगा। तो महात्मा गांधी जी का जन्म से शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गुजरात में पोरबंदर, सौराष्ट्र नाम के जो गुजरात में दो पार्ट है, सौराष्ट्र और रन ऑफ कच्छ, तो नीचे वाले पार्ट के एकदम निचले हिस्से में जहाँ पे पोरबंदर नाम की जगह है वहाँ पे हुआ। और इन्हें लोग भाई कहते थे। आपको बापू नाम तो पता ही है, भाई विनी को ही संबोधित करते थे, प्यार से बोलते थे। याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता बाई का नाम क्या था, पुतली बाई। तो बाई पुतली नाम था उनका, बाई जो है और जो बेन है, ये सब सरनेम गुजरात में वुमेन्स के नाम के आगे लगा दिए जाते हैं। जैसे कि यूपी के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो खैर बात करते हैं 1883 में, जब 1869 में जन्म हुआ, 1883 में जब ये 14 वर्ष के थे तो उनकी शादी करा दी गई। किसके साथ, कस्तूरा बाई गांधी के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1888 में ये चले गए लंदन LLB की पढ़ाई करने, यानी कि अब वकील बनने हैं तो वकीलों की पढ़ाई होती है ना, तो उसका कोर्स करने 3 साल का जो कि होता है LLB की पढ़ाई करने 1888 में लंदन चले गए। फिर 1891 में वहाँ से पढ़ाई पूरी करके आ गए फिर बम्बई, और इधर जैसे गुजरात आपको पता है नीचे पास में ही महाराष्ट्र है, तो मुंबई में क्या करने लगे, वकालत करने लग गए। फिर भैया 1893 में दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, वैसे था तो वो गुजराती व्यापारी पर दक्षिण अफ्रीका तक उसका क्या था, व्यापार फैला था, तो उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो उसका केस लड़ने के लिए 1893 में कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पे एक नेटाल नाम की जगह थी, वहाँ जब गए तो देखा भाई वहाँ काला गोरा ये सब फर्क वर्क उनको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा अंदर से, तो उन्होंने क्या किया, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहाँ पे की 1894 में। ठीक है, याद रखिएगा 1893 में जब वो केस लड़ने गए, किसका, दादा अब्दुल्ला का, तो वहाँ पे स्थापना कर दी क्या, एक नेटाल इंडियन कांग्रेस नेटाल नाम की जगह पे। वहीं पे नेटाल नाम की जगह के पास में ही एक पीटर मार्टिन वर्क्स स्टेशन था। वहाँ पे क्या हुआ कि जो एसी कोच था उसमें बढ़िया मस्त टिकट लेके जा रहे थे महात्मा गांधी जी, तो इनको वहाँ के जो अंग्रेज थे उन्होंने धक्के मार के बाहर फेंक दिया, स्टेशन के बाहर फेंक दिया। बोला कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो बोले ठीक है, तो लेके महात्मा गांधी का दिमाग सटका और चले गए सीधे कोर्ट में। कोर्ट में जाके उन्होंने केस कर दिया, कहा कि अगर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड तो फिर मेरे को टिकट क्यों दिया, जो टिकट मास्टर टिकट जो देते हैं स्टेशन पे टिकट काउंटर पे होते हैं उस पे केस कर दिया। उसने बोला सर जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को जो ऑर्डर्स हैं वही मैं फॉलो करता हूँ। तो बोला ऑर्डर्स कौन देता है, स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर आए, स्टेशन मास्टर के पास आए, स्टेशन मास्टर ने कहा कि हमें कोई इस तरीके की सूचना नहीं कि इंडियंस को टिकट नहीं देनी है एसी कोच की। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपने ऊपर वाले विभाग को बुलाइए, तो वो उन्होंने बताया रेलवे विभाग के अंदर काम करता हूँ, फिर आए मतलब रेलवे विभाग आए, तो रेलवे विभाग ने भी माफ़ी मांगी कि ठीक है ये इस टाइप की जो इलीगल एक्टिविटी हुई है आपके साथ उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं। फिर रेलवे विभाग ने भी बोला कि ये हमारी गलती तो है ही, साथ ही साथ हम भी किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो बोला कौन, तो बोले ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार आई कौन, माफ़ी मांगने। तो एक ही साथ रेलवे मंत्रालय, ब्रिटिश सरकार, स्टेशन मास्टर सभी ने क्या किया, गांधी जी से माफ़ी मांगी। सिर्फ इसलिए, किस लिए, धक्का मार के जो उन्हें बाहर फेंक दिया। और उसी समय से डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड के बैनर भी हटा के फेंक दिए गए। तो देखा आपने कितने दिमागी से काम लिया, वरना कोई नॉर्मल आदमी होता तो वहीं लड़ाई करता या कुछ और। ठीक है, खैर नेटाल नाम की जगह पे हुआ, नेटाल नेटाल इंडियन कांग्रेस जहाँ पे है वहाँ पे, किस स्टेशन में, पीटर मार्टिन वर्क्स स्टेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1901 में वहाँ का काम हम ख़त्म करके वहाँ के लोगों के साथ और देख के बढ़िया से, देखो 1888 में पढ़ने गए, 1891 में आ गए फिर वकालत करने लगे, फिर दादा अब्दुल्ला ने क्या किया 1893 में उसका केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए, फिर वहाँ से वापस आए, कब 1901 में वापस आए, और वापस आते समय बोल के गए, बोल के आए कि भैया साउथ अफ्रीका वालों कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद करना। तो 1901 में आए और 1902 में ही उन्होंने फिर से याद कर लिया कुछ ने साउथ अफ्रीका वालों ने, तो फिर से वो पुनः वापस लौट गए। फिर 1903 में जोहान्सबर्ग में वहाँ पे उन्होंने वकालत के लिए दफ्तर खोला, एक चैम्बर होता है कोर्ट में जहाँ पे मतलब लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं वकील के पास। ठीक है, फिर 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिनिक्स फॉर्म,
ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की 1904 में किसने, महात्मा गांधी ने। फिर महात्मा गांधी ने एक इंडियन ओपिनियन नाम की साप्ताहिक पत्रिका लिखी। महात्मा गांधी ने क्या लिखी, इंडियन ओपिनियन नाम की साप्ताहिक, यानी 7 दिनों में जो आती है पत्रिका, वो उसको प्रकाशित किया। याद रखना नाम बहुत जरूरी है, इसको हर भाषा में क्या किया, प्रकाशित किया, परंतु उर्दू भाषा में इसको नहीं किया। तो अब उर्दू भाषा में क्यों नहीं हुआ, उस समय डिमांड नहीं होगी सिंपली से, ठीक है। 1906 में क्या हुआ कि ऐसा हुआ, ठीक है, ये सब 1903-4 की बातें हैं, ठीक है। 1904 में क्या हुआ, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 3 में क्या हुआ, उन्होंने एक अपना दफ्तर खोल लिया, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। फिर भाई इंडियन ओपिनियन नाम की साप्ताहिक पत्रिका लिखने लग गए, 7 दिनों में जाती, याद रखना साप्ताहिक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी जाने वाली, ठीक है। 1906 में इन्होंने आजीवन ब्रह्मचार का व्रत ले लिया, ब्रह्मचार मतलब रहने का फैसला ले लिया, ठीक है, कब, 1906 में। फिर क्या हुआ, 1907 में ब्लैक एक्ट एक आया। ब्लैक एक्ट के तहत क्या था कि जो भारतीय थे और जो बाकी के एशिया के लोग थे साउथ अफ्रीका, उनको एक पंजीकरण कराना होता था कि हाँ मैं यहीं का सिटीजन हूँ, जैसे NRC वगैरह नहीं है नेशनल, उस तरीके से क्या करना था, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। पर रजिस्ट्रेशन करते अंग्रेज थे, तो केवल जो गोरे गोरे लोग थे उनका रजिस्ट्रेशन करते थे और जो ब्लैक लोग थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, आंदोलन कर दिया। और जन आंदोलन में आपको पता ही है खूब सारे लोग उनका साथ देते थे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे, मतलब कुल मिला के ऐसा समझिए कि साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों की बैंड बजा दिए थे किसने, महात्मा गांधी जी ने, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चरणों में। तो ब्लैक एक्ट याद रखना 1907 में आया था, ठीक है, यही मेन चीज़ पूछेंगे कि कब आया था। फिर भाई 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार अब महात्मा गांधी बचपन से लेके अब पहली बार जेल गए 1908 में। देख रहे हो आज़ादी के लिए लड़ने में जेल तक जाना पड़ता है, तब पर भी रुके नहीं। जब 1909 में बाहर निकले तो 1909 में क्या हुआ, ये इंग्लैंड चले गए, क्यों, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन कहाँ, इंग्लैंड में, वहीं से शासन करते थे, क्योंकि कंपनी का शासन तो हट गया था। तो जब ये वहाँ गए, उसके बाद वहाँ से दक्षिण अफ्रीका फिर से जब लौट रहे थे, तो उन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी। खैर जाना आना मत ध्यान रखो, 1908 में उनको क्या हुआ, जेल हो गई, और फिर 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी। अभी मैंने साप्ताहिक पत्रिका की बात की, वो कब थी और कौन सी लिखी गई थी, 1904 में लिखी, हाँ 1904 में इंडियन ओपिनियन नाम की, और इसको 1909 में लिखा, और हिंद स्वराज नाम की ये पुस्तक है। तो याद रखिए किसने लिखा, गांधी जी ने, जब वो जहाज से वापस आ रहे थे। 1910 में क्या किया कि टॉलस्टॉय फॉर्म नाम की स्थापना की, जिसको आगे चल के गांधी आश्रम बुलाने लग गए। टॉलस्टॉय फॉर्म याद रखना, वो लियो टॉलस्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रेरित भी थे। लियो टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े उस समय के, समझ लीजिए, आंदोलन कैसे करें उस टाइप की बुक चलाते थे, और क्योंकि महात्मा गांधी का मेन उन्हें पता था जन आंदोलन से ही, जब तक जनता नहीं किसी चीज़ में जुड़ेगी तब तक बदलाव लाना बड़ा मुश्किल बात है। और सोचिए उस समय जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई इस पर विश्वास कर पाए कि हार्ड मांस के शरीर वाला व्यक्ति, ऐसा हार्ड मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। उन्होंने मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद बोल दिया था कि भैया, गांधी जी के बारे में बोला था कि भैया कोई शायद ही विश्वास कर पाए कि इतना हार्ड डिसीजन, हार्ड मांस वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पे था, समझ रहे हैं। तो किस तरीके का उनकी छवि थी आप समझ पा रहे होंगे। और आजकल के जो कुछ एक टिकटॉकर टाइप के जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आजकल दिक्कत ये है, हिस्ट्री कोई भी पढ़ाने लग रहा है, यूट्यूब है, कैमरा है सभी के पास, कोई भी चालू कर देता, हेलो मेरा नाम है गांधी जी के बारे में आपको ऐसा ऐसा बता। यार देखिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, आप हमेशा नेगेटिव को क्यों देखते हैं, और ख़ासतौर पर जब आपके देश की प्राइड हो। भाई गांधी जी के नाम, उनका चेहरा हम अपने नोटों पे लगाते हैं, क्यों, ऐसे ही थोड़ी लगाते होंगे। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है उनके बारे में, जो भी नेगेटिव नॉलेज है, तो आप जाके भाई लड़िए, कोर्ट कचहरी में जाइए, उनकी फ़ोटो हटा दीजिए, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों पे ध्यान मत दीजिए, इस टाइप के लोग केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं और इनका कोई काम नहीं है, ये बस क्या करते हैं, बाल की खाल निकालने वाला काम करते हैं, और ऐसे लोगों के समाज में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं, ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, तो इतना बताया मैंने, ये सब हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि गांधी, लियो टॉलस्टॉय नाम दिया मैंने, लियो टॉलस्टॉय के मतलब उसको कैसे आंदोलन करें उस पर काफ़ी प्रेरित थे, कौन, गांधी जी। और गांधी जी ने ही द ग्रेट मार्च भी किया था, नेटाल नाम की जगह पे, मैंने बताया नेटाल इंडियन कांग्रेस रखा, वहाँ के एक रेलवे स्टेशन से इनको भगा दिया, तो इनके केस कर दिए, फिर ब्रिटिश सरकार, रेलवे मंत्रालय, हर किसी ने माफ़ी मांगी इनसे। तो जब वो भारत आए तो भारतीयों को लगा भाई साहब ये तो काफ़ी गजब आदमी है, मतलब भारत भी आके रुके नहीं, भारत में भी आके इन्होंने सत्याग्रह क्या क्या नहीं किया, अभी आगे बताऊँगा। तो
जब भारत में आए तब इनकी एक छवि ना अलग ही नेता के तौर पे लोग समझे कि, क्योंकि नेता देखिए आज के समय नेता बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। उस समय सभी नेता जितने भी हों सभी एक क्रांतिकारी की भावना रखते थे, फिर चाहे नरम दल के हों या गर्म दल के हों या मुस्लिम लीग हो या फिर हिंदू महासभा, सभी एक नेशनैलिटी की तरफ मूव करते थे कम से कम। परंतु अब क्या है कि अब सभी आज़ाद हैं तो अब सोचते हैं कितना ज़्यादा लूट लें, समझ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। खैर गांधी जी की उपाधियों की बात करते हैं, कौन कौन सी उपाधि उन्हें मिली। गांधी जी को अंग्रेजों ने सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि सार्जेंट क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित किया था कि आप इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दो ताकि अंग्रेज आपका भी साथ देंगे बदले में। पर ऐसा हुआ नहीं। 1919 में तो उन्होंने रॉलेट एक्ट नाम के इतने घटिया कानून लेके आए जिसमें बिना बेल बिना उसके आपको उठा ले जाती थी पुलिस वगैरह वगैरह, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको पता होगा अप्रैल में हुआ, बहुत तरह की चीज़ें। खैर उसके बाद और क्या हुआ, सार्जेंट की उपाधि किसने दी, अंग्रेजों ने दी। दूसरा केसरे हिंद की भी उपाधि दी, केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश की जो वो होती थी क्वीन उनको भी मिलती थी, तो याद रखना केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को भी मिली थी। और गांधी जी ने इस उपाधि को कैंसिल कर दिया जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भाई बेगुनाहों पे तुमने गोली चलवा दी, कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो गांधी जी ने जो उपाधि उनको दी थी, उपाधि का मतलब उस समय ऐसे समझिए एक तरीके का फ्रेम व्रेम करवा के नहीं सुनी, भारत रत्न वगैरह दे देते हैं उसी टाइप की उस समय भी उपाधि थी। हालांकि इंडिया के लिए भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पुरस्कार है, परंतु उस समय जिस लेवल के पुरस्कार थे उस समय तो भारत खुद में भारत नहीं था, समझ रहे, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, डेमोक्रेसी थी ही नहीं। खैर तो भाई सार्जेंट और केसरे हिंद की उपाधि किसने दी, अंग्रेजों ने दी। केसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने कब छोड़ दिया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी। अभी तक गांधी जी बोलते थे, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि कब दी, जब चंपारण सत्याग्रह उनका बहुत ही अच्छा चल गया, मतलब अंग्रेज अपना जो टैक्स वगैरह थे उसको कम करने का राजी हो गए। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बापू की उपाधि दी। बापू की उपाधि किसने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ये तीन चार उपाधि बताई, सार्जेंट, केसरे हिंद, महात्मा, बापू, राष्ट्रपति। फिर जो विस्टन चर्चिल था उसमें पीएम था इंग्लैंड का, प्राइम मिनिस्टर, उसने इनको अर्धनग्न फकीर बोला, मतलब आधा नंगा फकीर, ये भी एक उपाधि उन्होंने दी, जो भी बोला। खैर हम लोग को कोई मतलब नहीं। देखिए गांधी जी को देखिए दुनिया कुछ भी कहे, चाहे नाथूराम गोडसे को बोले अच्छा, चाहे कुछ भी हो, याद रखिए गांधी जी अहिंसावादी थे और गांधी जी को जो फॉलो करते हैं ना सच्चे दिल से वो भी सब अहिंसावादी हैं, इसी वजह से ये सभी लोग उनका विरोध करते रहते हैं। और अगर कहीं गांधी जी अहिंसावादी होते तो ये लोग विरोध ना कर पाते, समझे ना। जिस तरह आज मोदी जी वगैरह लोगों के लिए क्या होता है, बंदा लड़ने को तैयार हो जाता है, क्यों, क्योंकि उन लोगों का कोई वो नहीं है, समझ रहे हैं। खैर अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा वरना मेरे कोई दिक्कत हो जाएगी। फिर बात करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी, जादूगर की उपाधि, ठीक है। खुदाई खिदमतगार संस्था ने इन्हें मंगल बाबा की उपाधि दी, याद रखना मंगल बाबा जादूगर, ये शायद आपने नहीं सुनी होंगी तो इसको इंपॉर्टेंट लिखे। आइंस्टीन ने तो जो बोला था मैंने बताया आपको कि आने वाले 100-200 साल बाद भी शायद ही कोई इनको विश्वास कर पाए कि ऐसा मजबूत दिल वाला है, मजबूत मांस वाला इंसान इस पृथ्वी पर था, शायद ही कोई यकीन कर पाए। ऐसा बोला किसने, आइंस्टीन जी ने। तो 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका में बढ़िया से सब उनको ब्रिटिश वालों को चखा दिया धूल, उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे वगैरह बोल सकते हैं आप। NRI मतलब जो बाहर से यहाँ आते हैं, जो बाहर रहते हैं, बाहर के वीज़ा मतलब, समझ रहे ना। तो NRI डे मनाने लग गए उसी उन्हीं के याद में, क्योंकि वो भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में। आते ही जब ये इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला था कि भैया जाना तो शुरुआती में आंदोलन मत करना, शुरुआत में भारत को घूमना फिरना, घूम के देखना क्या चल रहा है, कैसा है, परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से उसके बाद निर्णय लेना। और बाकी ये प्रभावित किससे थे, लियो टॉल्स्टॉय की, आंदोलन कैसे कैसे करें, भूख हड़ताल वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर तो जब भाई आ गए 1915 में, 9 जनवरी 1915, याद रखना 9 जनवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही अब हम क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। पहला कब मनाया गया था, 1921 में भी, तो याद रखिएगा। फिर भाई जब आ गए तो आने के 2 साल तक तो रुके, उसके बाद इन्होंने 1917 में क्या कर दिया,
तीन कठिया प्रणाली के लिए मतलब तीन कठिया यानी अंग्रेज क्या करते थे, कहते थे 3/20 हिस्से पे आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया 1917 में। 2 साल रुके, आराम से मस्त देखा है का। उसके बाद 1917 में क्या किया इन्होंने, 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 हिस्से पे जो खेती थी नील की वो करनी जरूरी थी, एकदम जरूरी, उसके खिलाफ इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, फिर इसको नाम क्या दे दिया, चंपारण सत्याग्रह। इसी के सफल होने के बाद क्या नाम दिया था उनको, महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, मैंने आपको बताया था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फिर भाई 1918 में इन्होंने क्या किया कि खेड़ा सत्याग्रह किया। तो खेड़ा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन, टैक्स बहुत ज़्यादा किसानों से लिया जाता था, तो वहाँ पर भी जाते ही इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह, मतलब भीड़ इकट्ठी करके वहाँ पे बोला कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होने देंगे। बाकी उनका वकालत करने का तरीका ही इतना तेज था कि ब्रिटिशर जो कोर्ट में जब केस जाता था तो खुद ही जीत जाते थे, वकालत में उन्हें कोई नहीं हरा पाया। याद रखिएगा, गांधी जी को कोई भी नहीं हरा पाया। फिर चाहे देखिए, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस हों या B.R. अम्बेडकर हों या कोई दूसरे राजनीतिक जिन्ना हों, इनको गांधी जी से दिक्कत थी, पर तो गांधी जी को कभी इन लोगों से दिक्कत नहीं हुई, गांधी जी अपने में एकदम संतुष्ट थे। बाकी लोगों को हाँ इनके फैसलों से कई बार दिक्कत आ जाती थी, समझ रहे मेरी बात। तो गांधी जी जैसा व्यक्तित्व, सोचिए अल्बर्ट आइंस्टीन जिसके लिखे हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी उसी पर अमल करते हैं, आज भी उसी की वो करते रहते हैं व्याख्या वगैरह। तो उस इंसान ने गांधी जी के बारे में इतना महान चीज़ बोली है, तो अब कुछ तो आपको लग रहा होगा ना कि कुछ तो बुद्धि है, या फिर अभी भी गोडसे और इन सब जैसे फालतू की मानसिकता वाले लोगों की आज भी आप बातें सुनेंगे। और आप खुद ही सोचिए यार, आप जो जिम में नोट रखते हैं ना उसमें गांधी जी की फ़ोटो यूं ही नहीं लगवाएगी, समझ रहे हैं, थोड़ा कुछ सेंस है इस बातों का। इसलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 में, और 1917 में उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया, कहाँ, चंपारण में। चंपारण आपको पता है बिहार में है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। ठीक है, फिर भाई तीन कठिया प्रणाली के लिए किया गया था, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया टैक्स के लिए, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए क्या किया, सत्याग्रह किया, और यहाँ पर भी उनको जीत हासिल हुई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रखना है कि 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे, यहाँ पर भूख हड़ताल वाला भी उन्होंने यूज़ कर लिया, जैसे लियो टॉल्स्टॉय में लिखा था आंदोलन किन किन चरणों में होता है, तो पहले तो सत्याग्रह करो, लोगों को इकट्ठे करो और क्या करो, प्रोटेस्ट करो, फिर जब और बात ना बने तो क्या करो, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। भूख हड़ताल में बैठ जाओगे अगर ना, तो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर लोग, सरकार होती है वो आपकी बात मानती है। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों में तो अहमदाबाद में क्या किया, मिल मजदूरों के लिए जो टैक्स वगैरह उन सब के लिए सत्याग्रह किया, और यहाँ पे पहली बार वो भूख हड़ताल पे बैठे, कौन, महात्मा गांधी जी। पहली बार जेल कब गए थे, 1908 में, अभी बताया आपको। ठीक है, खैर जेल वाली ये सब क्या ही उनको रोक पाएंगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपसे हो गई मेरी बात गांधी जी के बारे में। तो अब आप डिसाइड करिए गांधी जी का व्यक्तित्व जीवन कैसा था, वैसे हमारे डिसाइड करने ना करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उनके उन जो क्या कहते हैं गांधी जी के तीन बंदर, उन पे अमल ना कर पाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गांधी जी वो व्यक्तित्व थे जिन्हें हम आज भी शायद 10% ही अपना पाए हैं, मतलब उनके कर्मों को, उनके जो कार्यव्रत, जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। अहिंसावादी तो अब हिंसा में बदलती जा रही है, छोटी छोटी बातों में लोग इस रिक्शे में, इस जो ऑटो वाला होता है, ऑटो में बैठने के लिए लड़ जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लड़ाई झगड़ा ये सब हिंसा की ओर जा रहे हैं, तो ये सब ठीक बात नहीं है। अब दूसरा गांधी इस देश को कब मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, परंतु एक गांधी ही काफ़ी होगा अगर हम सभी लोग मिल जाएं, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, आप लोग जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं इस चीज़ों को नोट डाउन करके आप याद तो रखिएगा ही, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपने में फॉलो करने का, और अगर वो भी नहीं हो रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जाने। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे, अगले वीडियो में कुछ अलग बातें करेंगे। ठीक है।